जनपद हापुड़ में बुधवार को नगरपालिका स्थित पुरानी कलेक्ट्रेट में हाथरस की बिटिया के गुनहगारों को जल्द ही कड़ी सजा की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुबोध नागर व उनके कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सत्यप्रकाश को सौंपा है। पूर्व सपा जिला अध्यक्ष सुबोध नागर का कहना है कि रेप पीड़िता के साथ हुई दरिंदगी के बाद जिस तरह स्थानीय पुलिस ने प्राथमिक दर्ज करने में देर की वही बेहद निंदनीय है। इतना ही नहीं, पीड़िता के शव को उसके परिवार को ना सौंप कर चुपचाप तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर सरकार और प्रशासन भी बराबर गुनहगार है। सुबोध नागर ने कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि लड़की के हत्यारों को तत्काल सजा सुनाकर फांसी पर लटकाया जाए और लड़की के परिवार वालों को तत्काल सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपयों का मुआवजा दे तथा पीड़ित परिवार तत्काल सरकारी नौकरी देने के काम करे। साथ ही पीड़ित के साथ हुई घटनाक्रम में एसआईटी जांच करवाए ताकि आगे इस प्रकार की घटना ना हो। इस बारे में सरकार उचित कदम उठाए। गैंग रेप होने के बाद उसकी जीभ काट दी गई, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। इस तरह का काला कानून आज देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अंग्रेजी जमाने में सरदार भगत सिंह जी को फांसी दे करके उनकी लाश को दूर ले जाकर गुपचुप तरीके से जला दिया गया, इसी तरीके से रात में जब बेटी ने प्राण त्याग दिए, तो इस काला जो कानून उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, इसके प्रशासन ने उस मासूम बेटी को, उसके परिवार को, उसकी बॉडी को भी नहीं दिया और दूर ले जाके उस बॉडी को जलाने का काम किया है। तो हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि उन दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देके मदद की जाए, परिवार को नौकरी दी जाए, जमीन दी जाए। जो ये अपराध हुआ है, इस अपराध में पुलिस एमपी से तो गाड़ी पलट देती है रास्ते में लाकर। एक अपराध पहले भी हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अभी तक उन मुलजिमों का कोई सुराग नहीं लगा पाई पुलिस। तो हमारा यही मांग पत्र के द्वारा मांग की है कि ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक चला के उनको फांसी की सजा देने का प्रावधान बनाया।